जैसा कि हमने चतुर्भुज का पूरा गुण देख रहे थे, उसमें समलंब, समानांतर और समचतुर्भुज का गुण हम लोग देखे, परिभाषा बनाकर देखे, और आज हम लोग सीखेंगे कि आयत किसे कहते हैं। और आयत का एक, दो नहीं, तीन, चार परिभाषाएं बनाने वाले हम लोग, और आयत के जितने गुण होते हैं सभी को देखेंगे हम लोग। वैसा समलंब चतुर्भुज इसकी आमने सामने की बजाय समांतर हो, ठीक है, समान एवं समांतर हो। वैसा समलंब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की बजाय समान एवं समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? कहेंगे सर वो तो वैसी परिभाषा हो गई जैसे ही था, सेम टू सेम। वैसा समलंब चतुर्भुज हटाया गया, वैसा समलंब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की बजाय समान एवं समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो आयत का हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो भाषा कुछ और हो जाए उसका, ठीक है ना। आयत समझ में आ गया। और चौथा परिभाषा बनाना चाहते हैं अगर समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज से ही बना सकते हैं। समचतुर्भुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। समचतुर्भुज कैसा होता है, क्या होता है समचतुर्भुज, होता कैसा है उसको देखिए। समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर होती है। हाँ, ये बात है कि आमने सामने भुजाएं समांतर ही होती है, समांतर है, ये इसके समांतर है मानते हैं, और तो इसमें सब भुजा बराबर होता है, तो सब भुजा बराबर होने से वो आयत कैसे हुआ, हो सकता है नहीं हो सकता। और एक बात और है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। इसमें करना क्या है कि वैसा समचतुर्भुज इसको सिर्फ 90 डिग्री हो जाए तो हो जाएगा। कहीं सर इसमें सब भुजा बराबर, भुजा क्या हो गया, तो आयत का प्रवस्था क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो क्या बराबर सब भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होगा, होगा। तो सम चतुर्भुज जितना भी है उसको अगर आप चाहते हैं कि आयत बना दे, तो बस एक ही उनका प्रत्येक को 90 डिग्री कर दिया जाए। यानी कि आपको इस परिभाषा में खाली एक ही भुजा देना क्या, तो वैसा सम चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक को 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। मतलब यहाँ पे समानांतर की जगह पे क्या कर देना है, अगर हम यहाँ पे ये लिख दे, ये हटा के अगर ये लिख दे सम चतुर्भुज, तो भी इसका परिभाषा गलत नहीं कर सकता है कोई, कोई थुर-थुर लड़का ही जिद कर सकता है, या कम पढ़ा लिखा मास्टर या टीचर आपसे जिद कर सकता है कि गलत परिभाषा होती है। क्यों, क्योंकि समझ कम है, इसलिए अगर समझ इसके पास ज्यादा होगा तो पढ़ा लिखा ठीक से होगा, वो कभी गलत नहीं कर सकता। क्यों, सभी सम चतुर्भुज आयत हो सकता है कब, जब उसका प्रत्येक को 90 डिग्री हो जाता है। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे होगा, हम लोग दिखाते हैं आपको कैसे होगा, अब हम प्रूफ अगर दिखाते हैं। सम चतुर्भुज को आप हम आयत बना रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा आयत बना रहे हैं जिसका सब भुजा बराबर हो, यानी कि वर्ग, तो चलिए वर्ग हो जाएगा, क्या जाएगा तो आयत, अब प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो आयत तो नहीं होगा, वही है ना। बड़ी आपके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि आपका माइंड उस तरह से नहीं डेवलप हुआ। देखिए अब आप ध्यान समझिए, इसमें हम एक बना रहे हैं सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, क्या बना रहे हैं सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, मतलब जो ये चित्र था इसको हम सीधा कर दे रहे हैं बस ऐसे, ठीक है ना। अब करके दिखा रहे हैं आपको कैसा है, आप डिसाइड करें कि ये क्या बनेगा। हमें बनाने सम चतुर्भुज और इसका इस प्रकार बना, उसी सम चतुर्भुज को हम सीधा करनी है, कर दिए। अब सीधा करने से क्या हो गया, प्रत्येक कोण क्या हो गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, यानी कि पता चाहिए। तो ये प्रत्येक कोण क्या हो गया, मेरा बंद करिए,
अब 90 डिग्री जब हो गया अब क्या करना होगा बताइए, दिमाग लाइए। क्या ये आयत हो गया? क्या इसके हम जैसे सवाल पूछेंगे जवाब दीजिए खाली। आयत के लिए क्या होना चाहिए? पहला आमने सामने बुझाए, क्या चाहिए? आमने सामने बुझाए समांतर होनी चाहिए। तो क्या आमने सामने बुझाए समांतर है कि नहीं है? क्या समान है कि नहीं है? ये भी समांतर है इसके, और इसके समान है, तो आयत क्यों नहीं होगा? जब आमने सामने कोई समान है समांतर है, अब प्रत्येक को 90 डिग्री है, तो कौन माइक का लाल कहेगा कि आयत नहीं है? सबको कहना पड़ेगा कि आयत है। बट प्रॉब्लम कहां पे हो जाएगा? ईसा जी का सब भुजा बराबर है, तो अच्छा बात नहीं, तो इस आयत को वर्ग कहते हैं। इस आयत को क्या कहते हैं? स्पेशल नाम दे दिया वर्ग। इस आयत को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वर्ग पढ़ लेते हैं, इसीलिए इसका परिभाषा हम इसे नहीं बनाते हैं। तो लड़का को कंफ्यूजन होने लगता है कि सर बताइए समांतर वाला बना लिए, सामने दूरी बना लिए। अरे प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये आयत है, कौन नहीं कहेगा आयत नहीं है? हम अगर लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, वो एक प्रूफ करके दिखा दे कि आयत नहीं है। क्या आप लोग लगता है कि आयत नहीं है? आयत है ना जी, इसे समझा दोगे ना? कैसे खुतूर लेकर किसी करता है, कहते चारों साइड पर आया तो वर्ग ना बोले, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि इतना वर्ग बोले सब आयत बोले ना। जब वर्ग आयत बोले तो वर्ग ना कर दिले, पूरा महीने के बाद करेगा उसे यदि करेगा वो, मगर वो ऐसी बात है नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये आयत है, ये स्पेशल आयत है जिसको हम वर्ग करते हैं। ठीक हो गया, चलिए। तो इसका परिभाषा बनाए कि नहीं बनाए? इसका परिभाषा बना सकते हैं क्या? सम चतुर्भुज कर दीजिए। तो कितनी परिभाषाएं हो गए? चार में दो कारगर हैं, एक चतुर्भुज वाला, दूसरा क्या है? समांतर वाला। सबसे बढ़िया कौन है? समानांतर वाला सबसे बढ़िया, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, कोई मुंह नहीं लगाएगा आपसे, सीधा बोले हाँ सही है सही है। तो यही परिभाषा किताब में लिख दिया था, बच्चा सही समझ लेता है। मुझे परिभाषा चार बना दिए हमको, और एक और बना सकते, पता है वर्ग सही बना सकते हो, वैसा वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई हो उसे आयत कहते हैं, वैसा वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई हो उसको आयत कहते हैं। ये तो और बनाइए किसी को तो और कुछ मिला जाएगा, ऐसे कैसे होगा भैया? क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा? आपको दिखाते हैं एक और परिभाषा, आयत का एक और परिभाषा नया वाला, एकदम न्यू मॉडल अभी निकाले तो दिमाग में नहीं था। देखिए वैसा वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, क्या हो? लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग माप की हो, क्या हो? अलग अलग हो या भिन्न हो, इसे क्या कहेंगे? वैसा वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई भिन्न हो उसे क्या कहेंगे? इसे आयत कहते हैं। देखिए हम बार बार समझा रहे हैं परिभाषा, किसी को जल्दी बताइएगा, नहीं लोग झगड़ा कर लेता है, पुस्तकों को समझ में नहीं, हमारे सर जी ना पढ़े रहे हैं, हमारी कहीं किताब में दिखा दे हमारा, तू कोई किताब में ना लिखा ली, अपन किताब लिखने कर ही देंगे। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आप देखिए ये परिभाषा आप लेके जाइए और टीचर को भी दिखाया जाए, कौन परिभाषा लिख दिया है, गलत है, कहां से पढ़ता है? टीचर के पास जाकर बहुत देर तक विवश करा, डिस्कस करना पड़ेगा, तब समझा हाँ 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 क्या है ये परिभाषा, कहा दिखाते हैं, परिभाषा नहीं सिखाई ना, कौन सीखा है? बच्चों का दिमाग छोटा करना है, इनहेंस करिए जितना बड़ा हो सकता है, जमीन अपना अपना आसमान अपना, तो कहे इतना तो रहेंगे भैया। अजीब हाल है, इंसान ने किताबों को बनाया, किताब ने इंसान को बनाया, जवाब दीजिए, इंसान ने किताब को बनाया, तो किताब से आगे भी सोचना चाहिए आदमी को, और किताब से आगे नहीं सोचता आदमी इंसान, तो आगे कोई विद्यार्थी कोई सेटिस्फाइड भी नहीं करता, कोई नया चीज खुद हो जाए, चारों बजाय बराबर है तो बढ़ गए, हमको कुछ नहीं किया, बस इसको सिलेक्ट किए, बस इसको लंबाई ट्राई कर दिए, क्या बढ़ गया? तो वैसा वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? ये किसी किताब में मिलेगा परिभाषा, भूल के देख लीजिए हमारे किताब में मिलेगा, हम दिखाए, ये होता है पढ़ाई भैया, हर चीज का सोल्यूशन हमारे पास है और उसका हम प्रूव कर सकते हैं, यानी तो कुछ पढ़ा दी, ऐसे ऐसे बातें होती हैं, कितना पता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इसका गुण कौन कौन सा होगा, आयत का गुण भी तो होगा ना, आयत का गुण देखते हैं, जैसे आयत का गुण क्या पढ़ जा रहे हैं?
कौन कौन से गुण हो सकते हैं इसके आगे? गुण नंबर एक, पहला गुण वही होगा आमने सामने बजाय समान होगी, क्या होगी? आमने सामने की बजाय आमने सामने की बजाय ठीक है वाली समान है समान तो दो हो जाएगा ना, आमने सामने की बजाय आमने सामने की बात नहीं उनपे विभाग वाला आदमी होने का काम ना कोई चीज में पाना चाहिए बताने का आमने सामने को जाए कहती है समान एवं समांतर हो आमने सामने को जाए समान एवं उसको संकेत कैसे बनाएंगे चित्र बनाएंगे और लिखेंगे दलीबाजी नहीं करिएगा आयत है इसका अपना डिपार्टमेंट है इसको सब कुछ लेके चलिए भैया इसका अपना जिंदगी है देखिए हम एक जाते चेक कर देगा सब जाते चेक कर देखिए तुम होगा सबका अपना अपना नोट्स है सब सबका चेक किया ना उसी प्रकार से आप सबका लिखिए तो क्या होगा ए बी बराबर सी बी है ना और ए डी बराबर का बी सी एडी बराबर होगा बीसी फिर समांतर वाला ये इसके समांतर है तो क्या लिखेंगे इसको ए बी समानांतर सी डी तथा ये इसके समानांतर है तो क्या होगा एडी समानांतर बीसी कुछ बच्चों को दोनों एक ही लगता है ये और एक ही लगता है बस पता होता है ये बेचारा खड़ा है तुम सूट गया बराबर आई समानांतर है सोचा कि गलती खा रहा था ना थक जाता है फिर ज्यादा सूझ गया क्या गलती खा गया हो कुछ बच्चों कुछ बच्चों चार पांच बच्चों को ऐसा लगता है बाकी नहीं लगता बाकी सब ठीक है उसको फिर बताते हैं कि सूटा खड़ा नहीं है ये जो गली है समानांतर क्या पर इसको बराबर नेक्स्ट दूसरा नंबर गुण नंबर टू क्या होगा प्रत्येक कौन बात नहीं प्रतिकोण समकोण होता है समकोण होते हैं बस इसको ऐसे ही लिखा देखो भाई प्रत्येक गुण का अपना अपना चित्र बना लो छोटा ही बना लो कोई दिक्कत नहीं उसमें वही गुण को बताओ इसको कैसे लिखते हैं लिखते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री ठीक है गुण नंबर ये क्या करा है क्या आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है क्या आसन्न कोणों का योग क्या था 180 डिग्री बात न करिए कुछ बच्चे बच्चे आ रहे हैं पीछे होता है ये आसन्न कोण कौन कौन है टाइम हो गया आसन्न कोण यानी कि ये और ये यानी कि कोण ए और कोण बी मिलाकर क्या होगा तथा ए का आसन कोण एगारो ना होगा ए का बी होगा तो कौन ए प्लस बी बराबर 180 इसमें एक और मेडिकल जो होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होता है क्या ये आसन कोण हो गया आप सम्मुख कोण वो नंबर चार क्या होता है सम्मुख कोणों का सम्मुख क्या बढ़िया बड़ी बदमाश लिखा है
विचार का क्लास होना समुद्र कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, वो तो नहीं होता है करके कौन कौन हो गया है, कौन कौन लिख लिया, कौन कौन लिखी है, कौन कौन लिखी है, समूह कोणों का योग ऐसा मतलब क्या होता है, समूह कौन 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 देखे हुआ, ए के समूह कौन है, ए के समूह सी, बी के समूह, यानी कि कौन ए प्लस कौन सी कितना होगा, और कौन बी और कौन डी क्या होगा, ये समझ। अब बात करें क्या उसका कौन क्या था, याद कीजिए, हाँ इसके विकर्ण क्या होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं, इसके विकर्ण समान होते हैं, क्या होते हैं, इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान माप के होते हैं और एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। चलिए फोन नंबर बात ना करिए, इसके माने क्या आयत के, आयत लिखे आयत के सब आयत नहीं आयत ना होगा, आयत के विकर्ण तो बतियार को बाहर करो ना, रे कौन लाइक बाहर नहीं कर सकता रे, तो तुम का बतिया रहा है उसको बाहर करो ना, तुम लोग खड़ा खड़ा कई सारी बतिया रहा है खान पान तुम सबसे खड़ा कर दो तब आ जाओ, तुमको डाले देते हैं पावन उठाओ उसको खान पान दूर से खड़ा कर दो, आयत के विकर्ण समान होते हैं, आज के विकर्ण कैसे होगा, आज के विकर्ण जानते करते विकर्ण कौन होते हैं, विकर्ण की अपना ही नहीं है, विकर्ण कौन है, वो एसी होता है वो बीडी है ना जी, ये वो एसी होता है वो बीडी, वो एसी हो गया और बीडी क्या होगा समान होगा, ठीक है ना, एसी और आवर बीडी चलिए विकल्प बना ही लेते हैं, विकल्प का काम हमको अभी है, आप मेरी तरह खींच लीजिएगा नहीं घर जाके, देखिए टेट आर हो गया है, आज जाके स्केल से पारिएगा बार बार समझाते हैं आपको, ये समान हो गया, अब है क्या इसके विकार एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, क्या करते हैं, लम समविभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं, देख लीजिए आपको लम तो नहीं पड़ेगा, किस समझाइए ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे क्या वो नंबर आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते लम समद्विभाजित नहीं करते, आयत के विकर्ण बात नहीं कीजिए एक दूसरे को क्या कहते हैं, सम जो है सम सम माने बराबर, सम दुई ए दुई ऐसे लिखना दुई भाजित, उनको देखे तो हैरान हो गया कि तब वही बच्चा लिख नहीं आ रहा था, समझ तो संभद्र लिखा है आपको बता कैसे लिखता हो, कितना क्लास में ध्यान देता हूं बताइए, सब दुभाजित को सब दुभाजा बमरू अजीब अजीब लिखा है, दिखा भी नहीं समझ रहा, निकाल कर दिखा गया चतुर्भुज लिखने नहीं आ रहा, चतुर्भुज लिखा है समलाम समांतर को लिखा अनुस्वार छोड़ दिया, समातर समातर है समातर नहीं, अजीब अजीब लिखा क्या कहे वैसे बच्चों को, आयत के विकर्ण एक दूसरे को लम समविभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं इसका मतलब कैसे लिखे के मोबाइल को यहाँ पे कहाँ पे काटे हैं, मान लो ओ पे काटे हैं, कहाँ पे काटे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ओए बराबर होगा, ओए कितना बड़ा उतने बड़ा होगा ओसी, अब बराबर होगा ओडी, बराबर होगा ओडी, चारों बराबर होगा, चारों आपस में बराबर मानते हैं, यूनिक है आज समय ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट
वो नंबर